तो गाइज रिसेंटली टाटा एल्ट्रोस की फेसलिफ्ट की स्पाई पिक्चर्स निकल कर आई हैं, जिसमें कि हम लोग साफ देख सकते हैं कि जो गाड़ी है वो काफी हैवी तरीके से कैमोफ्लाज करी हुई है। ये जो एल्ट्रोस रहने वाली है ये रहने वाली है रेसर एडिशन में, और रेसर एडिशन में बेसिकली इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही ज्यादा इनहेंस हम लोग को देखने के लिए मिले। सबसे पहले तो आप लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो ये है गाइस टाटा एल्ट्रोस रेसर, जिसकी अभी टेस्टिंग ही चालू हुई है, और एक साल पहले इस गाड़ी को शोकेस कर दिया गया था कि ये गाड़ी दिखने में कैसी रहने वाली है। पर देखा जाए तो जो गाड़ी शोकेस करा गया था हो सकता है कि हूबहू शोकेस जैसा नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंट हम लोग को देखने के लिए मिल जाए इसकी जो अपकमिंग फेसलिफ्ट रहने वाली है। स्पाई पिक्चर्स को देखकर ऐसा हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इस गाड़ी में कोई खास बड़ा अपडेट नहीं मिलेगा। तो पहले तो हम लोग इसकी एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं कि एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो इस गाड़ी में हम लोग को कोई खास चेंजेस तो दिख नहीं रहा, वैसी ही बॉडी लाइंस देखने के लिए मिल रही है जैसे कि अल्ट्रोस की आती हैं। लेकिन जो चेंजेस हैं पहले वो बता देता हूं। तो इसमें आपको जो 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते थे, हो सकता है कि इस बार आपको 17 टू 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाए, और इतना ही नहीं, हो सकता है कि इसमें आपको जो हेडलैम्प्स मिलते थे जिसमें कि पहले ऐसी DRL लाइट्स वगैरह नहीं आती थी, तो इस बार हो सकता है कि DRL लाइट्स के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाए। इसके साथ ही साथ इस गाड़ी के एक्सटीरियर पे आपको एक नया ग्राफिक एडेड मिलेगा जो कि नॉर्मल अल्ट्रोस में नहीं मिलता है, आपको रेसर एडिशन में देखने के लिए मिल जाएगा। हुड पे आपको ऐसी ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएगी, और जो कलर वगैरह है वो भी आपको नए कलर्स में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। वहीं हम लोग इंटीरियर की तरफ चल के देखें तो इंटीरियर में कोई खास चेंजेस नहीं रहने वाले हैं। जो एसी वेंट्स वगैरह रहने वाला है उस पे आपको ऐसी एक्सटीरियर कलर की आउटलाइन फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ इसमें आपको जो मेजर चेंजेस मिलेगा वो मिलने वाला है आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में, क्योंकि इस बार ये आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जिसमें कि आपको ऐसी 360 डिग्री व्यू कैमरा फीचर भी मिल जाएगा जो कि अभी टाटा अपनी सारी ही गाड़ियों में दे रहा है, यहां तक कि टाटा पंच में भी आपको मिलता है, तो भाई इस गाड़ी में क्यों नहीं। तो ये वाली अपडेट तो भाई बहुत ही ज्यादा मेजर अपडेट हो जाएगी। उसके साथ ही साथ अगर आप लोग देख लो कि पुराने वाले में आपको ऐसा 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था, तो उसके जगह पे आपको 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जैसा कि आपको करंट वाला नेक्सॉन और टाटा पंच ईवी में मिलता है कुछ उसी तरह का। अगर आप गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखते हो तो स्टीयरिंग व्हील पे भी आपको कोई मेजर चेंजेस नहीं दिखने वाला, क्योंकि करंट वाले मॉडल्स में टाटा जितने भी स्टीयरिंग व्हील्स दे रहा है आपको 2 स्पोक देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 स्पोक मिल रहा है जो कि करंट वाले से ज्यादा बेटर लग रहा है, काफी ज्यादा खूबसूरत सा है। और ये हो सकता है कि लास्ट जनरेशन गाड़ी है जिसमें आपको ऐसी देखने के लिए स्टीयरिंग व्हील मिलने वाली है, काफी कर्वी और काफी खूबसूरत सी लगती है, एटलीस्ट उस बोरिंग 2 स्पोक से तो काफी ज्यादा बेटर आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ स्टीयरिंग व्हील के ठीक सामने आप लोग गौर फरमा लो तो वहां पे आपको क्या दिखता है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिस्टम मिलता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको एक कंप्लीट ड्राइवर डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, वो भी आपको 10.25 इंचेस का मिल जाएगा जो कि काफी बड़ी सी स्क्रीन है। काफी मजेदार सी आपको एक और डिस्प्ले मिल जाती है गाड़ी में, जिसमें कि आपको गाड़ी की सारी फीडबैक्स मिल जाती हैं। उसके साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स, फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड मिलने वाले हैं, उसके साथ में वायरलेस चार्जिंग, एयर प्योरीफायर जैसी फीचर्स आप लोगों को इक्विप मिलने वाली है। तो बहुत सारी फीचर्स इस गाड़ी में मिलेंगी गाइस, क्योंकि पहले वाली के मुकाबले ये काफी ज्यादा अपडेट होकर आने वाली है। इस बार 2024 की जो फेसलिफ्ट रहने वाली है, इस गाड़ी में जो मेजर अपडेट मिलने वाला है वो मिलेगा आपको परफॉर्मेंस में क्या अपडेट रहने वाला है। तो इस गाड़ी में जो आपको इंजन मिलेगा वो आपको 1.2 लीटर का एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाएगा रेसर एडिशन में भी, उसके साथ ही साथ एक ट्रू रेसर एडिशन भी मिलेगा जिसमें आपको 1.2 लीटर का ऐसा टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि आपको 125 एचपी तक की पावर प्रोड्यूस कर देगी, जो कि काफी भयंकर सी पावर रहने वाली है, एक लिटिल हैचबैक कार में काफी ज्यादा है। उसके साथ ही साथ आपको इसमें एक और इंजन मिलने वाला है जो कि 1.2 लीटर की रहेगी, लेकिन ये स्पेशल इतनी इसलिए रहने वाली है क्योंकि ये आपको सीएनजी वाली ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगी जो कि आपको 88 एचपी तक की पावर प्रोड्यूस करके दे देगी। और इन सारे ही इंजन्स के साथ में आपको मिलने वाला है 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, उसके साथ में ही अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको 6 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाएगा जो कि काफी बेटर सी ऐसी है। तो 2-3 महीने बाद हो सकता है कि इस गाड़ी की फेसलिफ्ट हम लोगों को लॉन्च होते हुए दिख जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना।